हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जनवरी सेकंड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स, प्रज्वला चैलेंज के बारे में। प्रज्वला चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये चैलेंज लॉन्च किया गया है। ये चैलेंज क्यों लॉन्च किया गया है? टू इन्वाइट द आइडियाज़, सॉल्यूशंस एंड एक्शंस दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म द रूरल इकोनॉमी। अगर किसी के पास रूरल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सके ऐसा कोई आइडिया है, कोई सॉल्यूशन है, या तो फिर कोई एक्शन है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, तो इस चैलेंज के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट? तो प्रज्वला चैलेंज कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। और अगर आपको पूछा जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इस चैलेंज को कौन से मिशन के अंडर में लॉन्च किया गया है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर में, बराबर ना? दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर में इसको लॉन्च किया गया है, राइट? ओके, कि इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशन वाइड इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द थॉटफुल माइंड्स अ प्लेटफॉर्म टू प्रेजेंट द न्यू इनोवेटिव एंड स्केलेबल पाथवेज फॉर द रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, राइट? तो ये पहली बार ऐसा कोई चैलेंज लॉन्च किया गया, ऐसा कोई कॉम्पिटिशन लॉन्च किया गया है जहाँ पे अगर किसी के पास ऐसा कोई इनोवेटिव आइडिया है कि जो रूरल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बराबर ना, तो इसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट? ओके, अगर जो यहाँ पे टॉप फाइव विनर्स होंगे, जो टॉप फाइव आइडियाज़ होंगे, बराबर ना, उनको यहाँ पे रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। कितने लाख रुपये का? 2 लाख रुपये का, राइट? ओके ओके और यहाँ पे जो रूरल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन फोकस एरिया कौन से रखना है, कौन से एरिया के अंदर ज़्यादा आइडिया सॉल्यूशंस चाहिए, तो फोकस ऑन द वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का मतलब जो डिप्राइव्ड होते हैं, जिनको बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, उन सेक्शन को ज़्यादा फोकस करते हुए चलना है। लोकलाइज मॉडल्स के ऊपर ध्यान में रखना है। सस्टेनेबिलिटी, प्रोजेक्ट आपका ऐसा होना चाहिए कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, और मल्टी सेक्टोरल आइडियाज़ एंड सॉल्यूशंस, राइट? तो इन एरिया के ऊपर फोकस करके यहाँ पे किसी के पास अगर कोई आइडिया सॉल्यूशन या फिर एक्शन है, तो वो इस चैलेंज के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई प्रज्वला चैलेंज कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, कौन से मिशन के अंडर में लॉन्च किया गया। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मिशन के अंडर में चैलेंज लॉन्च किया गया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है रूरल एम्प्लॉयमेंट, गांव के लोगों को रोज़गारी मिले, बराबर ना? इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है, राइट? उसी तरीके से नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन भी है। तो जिस तरीके से ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट करवा रहा है, उसी तरीके से नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन कौन इम्प्लीमेंट करवा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, बराबर ना? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके? तो कौन से सेक्टर्स के ऊपर फोकस करके यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है, बराबर ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रोग्राम के बारे में। स्मार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो स्मार्ट प्रोग्राम क्या है पहले तो, उसका फुल फॉर्म क्या है? स्कोप फॉर द मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो नाम से ही पता चलता है कि ये कौन सा सेक्टर के ऊपर ये प्रोग्राम फोकस करता है, आयुर्वेदिक सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे जो आयुर्वेदिक सेक्टर के अंदर जो टीचिंग प्रोफेसर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनको इस सेक्टर के अंदर ज़्यादा रिसर्च करने के लिए यहाँ पे फेलोशिप प्रोवाइड करने की बात है स्मार्ट प्रोग्राम के अंदर में, बराबर ना? तो स्मार्ट प्रोग्राम अभी लॉन्च किया गया है। स्मार्ट प्रोग्राम कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अगर मिनिस्ट्री पूछे तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष के द्वारा लॉन्च किया गया है, बराबर ना? लेकिन अगर संस्था पूछे कि भाई कौन से संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में 2 संस्था है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, बराबर ना? तो ये 2 संस्था के द्वारा मिलकर ये स्मार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये 2 संस्था के द्वारा फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। अगर जो कोई प्रोफेसर अगर आयुर्वेदिक सेक्टर के अंदर कोई रिसर्च करना चाहता है तो, राइट? ओके, राइट। तो ये प्रोग्राम का एम क्या है?
तो यहाँ पे मैंने जो प्रायोरिटी हेल्थ केयर सेक्टर्स है कि जहाँ पे रिसर्च की आवश्यकता है, खास करके आयुर्वेदिक के अंदर, बना बना, तो अगर कोई इसके ऊपर, ये टॉपिक्स के ऊपर अगर कोई रिसर्च करना चाहता है, तो इस प्रोग्राम के अंडर में ये दो संस्था के द्वारा फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी उन लोगों को, राइट? ओके okay. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली ESCR प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, राइट? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, DY चंद्रचूड़, बराबर ना? तो उनके द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, राइट? तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, उन्होंने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड द फ्री एक्सेस टू अबाउट 34,000 जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू द लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स एंड द कॉमन पब्लिक, राइट? तो लॉयर्स को, लॉ स्टूडेंट्स को और जनरल पब्लिक को 34,000 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को फ्री एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है. किसके द्वारा? DY चंद्रचूड़, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके द्वारा, राइट? ओके. अभी ये जो फ्री एक्सेस है वो कहाँ पे मिलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के एप्लीकेशन के ऊपर, और उसके अलावा एक पोर्टल है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पोर्टल, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पोर्टल. ये तीन जगह पे ये सुप्रीम कोर्ट के 34,000 जजमेंट्स का फ्री एक्सेस मिलेगा, राइट? ओके. अभी इतने सारे जजमेंट्स हैं तो उसमें से कौन सा जजमेंट कैसे सर्च करना है, तो उसके लिए सर्च इंजन भी चाहिए. तो यहाँ पे सर्च इंजन किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये सर्च इंजन डेवलप किया गया है फ्रेंड्स, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NIC. आपने इस संस्था का नाम सुना होगा. ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में ये संस्था काम करती है, गवर्नमेंट संस्था है. सरकार की जितनी भी वेबसाइट है उसका जो डोमेन है .in, ये डेवलप करने वाली संस्था ये NIC है, और ये NIC के द्वारा ही ये सर्च इंजन डेवलप किया गया है, बराबर ना? तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ESCR प्रोजेक्ट का मेन मोटिव क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को फ्री एक्सेस प्रोवाइड करना, राइट? कहाँ कहाँ का प्रोवाइड करना है, सर्च इंजन किसके द्वारा डेवलप किया गया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बराबर ना? और यहाँ पे ये NIC ने सर्च इंजन को डेवलप करने के लिए एक मेथड का यूज़ किया है, जिस मेथड को क्या बोला जाता है, न्यूट्रल सिटेशन. न्यूट्रल सिटेशन, ये न्यूट्रल सिटेशन के अंदर क्या होता है कि एक यूनिक नंबर प्रोवाइड किया जाता है कोई भी डॉक्यूमेंट्स को, कोई भी यहाँ पे जजमेंट्स है, तो जजमेंट्स को, सभी जजमेंट्स को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल IFSC कोड कैसा है कि एक यूनिक नंबर है कि भाई जिसकी मदद से आपका अकाउंट कौन से ब्रांच में हो पता चलता है. तो ये न्यूट्रल, ये जो न्यूट्रल सिटेशन जो मेथड है कि वहाँ पे हर एक जजमेंट को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, बस जस्ट आपको एक यूनिक नंबर डालना है, वो आपका जजमेंट आपको मिल जाएगा, जस्ट सिंपल, आप जो जजमेंट चाहते हो, राइट? तो न्यूट्रल सिटेशन मेथड ध्यान में रखना है कि अभी कौन सा मेथड यूज़ किया है उसने, बराबर ना? ओके. और जो भी नया जजमेंट आएगा ना, वो 24 आवर्स के अंदर वहाँ पे ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा, बराबर ना? ये तीनों तीन जगह पे. ओके. तो आई थिंक इस न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स. हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि पीएम मोदी जी ने अभी एड्रेस किया है 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से. उनके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले तो ये इंडियन साइंस कांग्रेस जो 108वीं मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? राष्ट्रसंत तुकाडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में ही हुई थी, बराबर ना? ओके. और उसके अलावा इसकी थीम क्या रखी गई थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द वुमेन एम्पावरमेंट. साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द वुमेन एम्पावरमेंट, इस इवेंट की थीम रखी गई थी. अगर मैं ये इंडियन साइंस कांग्रेस के बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ, इस मीटिंग के बैकग्राउंड के बारे में, तो ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस एक एसोसिएशन है जिसको 1914 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता के अंदर, एंड हर एक साल इसकी मीटिंग होती है परमानंद जनवरी के अंदर, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर, एंड उसके अंदर टोटल 30,000 से भी ज़्यादा साइंटिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं, बराबर ना? राइट. तो शुरुआती जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो कलकत्ता में हुई, बराबर ना? उसकी मोस्ट ऑफ दी मीटिंग है ना पुणे के अंदर होती है, लेकिन इस बार
नागपुर यूनिवर्सिटी के अंदर हुई है, बराबर ना, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पीएम मोदी ने इंडिया के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में इस मीटिंग के दौरान बात की है और इंडिया के कुछ टारगेट्स के बारे में बात की है। तो पीएम मोदी ने यहाँ पे जस्ट हाईलाइट किया है कि भाई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर भारत का रैंक 2015 के अंदर 81st था, लेकिन 2022 के अंदर कितना हो गया है? 40 हो गया है, मतलब ना 40th प्लेस पे आ गया है। मतलब इनोवेशन के अंदर भारत ने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर, तो दुनिया के अंदर थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है भारत, बराबर ना, आफ्टर US एंड चाइना, बराबर ना, राइट। और जो नंबर ऑफ PhDs के बारे में बात करें कि जो लोग PhD करते हैं वहाँ पे भी हम थर्ड नंबर पे हैं US और चाइना के बाद में, बराबर ना, ओके। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज़ के अंदर कि भाई इंडियन साइंस कांग्रेस की मीटिंग कब से होती है? 1914 से होती है, 108वीं मीटिंग थी, उसकी थीम आपको ध्यान में रखनी है, कहाँ पे हुई थी मीटिंग, और पीएम मोदी ने जो मीटिंग को एड्रेस किया था उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को हाईलाइट किया है, बराबर ना, ओके। चल हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि कैबिनेट ने कुछ चीज़ें अप्रूव की है, बराबर ना, 4 जनवरी को, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो एक तो है बाइंड स्कीम को अप्रूवमेंट मिली है, एक है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अप्रूवमेंट मिली है, और एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अभी नामकरण किया गया है, बराबर ना। तो इन तीन चीज़ों के बारे में, इन तीन अप्रूवमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है, ओके। चल ओके, अगर मैं बाइंड स्कीम की बात करूं तो बाइंड स्कीम का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या है? तो बाइंड स्कीम का फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, बाइंड। इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने कितने पैसा अलोकेट किए हैं? 2539.61 करोड़ अलोकेट किए गए हैं। कितने साल तक? 2025-26 तक अलोकेट किए गए हैं, बराबर ना। अभी इस स्कीम के अंदर में क्या करना है? तो ये स्कीम के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, प्रसार भारती का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। अभी प्रसार भारती के अंदर दो डिवीज़न है, एक ऑल इंडिया रेडियो और एक दूरदर्शन, राइट। तो सबसे पहले बाइंड स्कीम का फुल फॉर्म, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, कितना पैसा एलोकेट किया गया है, कब तक एलोकेट किया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, बराबर ना, राइट। और कौन सा, किसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है? प्रसार भारती का, और उसके अंदर में दो डिवीज़न है, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, बराबर ना, ओके। अभी कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं प्रसार भारती के अंदर में जो डिवीज़न है, एक है दूरदर्शन और एक है ऑल इंडिया रेडियो, अगर मैं दूरदर्शन की बात करूँ तो दूरदर्शन के अभी जो टीवी चैनल्स हैं, टोटल 36 टीवी चैनल्स अलग अलग रीजनल लैंग्वेज के अंदर दूरदर्शन की अभी आती है, बराबर ना। और अगर मैं ऑल इंडिया रेडियो की बात करूँ तो उसके 500 प्लस ज़्यादा रेडियो स्टेशंस अभी अवेलेबल है, और यही दो माध्यम है कि जहाँ से रूरल एरिया के अंदर इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो सकता है, बराबर ना। तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, राइट, गांव के लोगों को इंफॉर्मेशन एक्सेस करवाने के लिए। तो यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो की अगर बात करूँ तो टोटल 500 प्लस स्टेशन तो है ही उसके, लेकिन उस स्टेशन के माध्यम से वो कितना कवर कर पा रहा है अभी? तो अगर मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करूँ कि भाई कितना पॉपुलेशन को कवर कर पा रहा है और कितना जियोग्राफिकल एरिया को वो कवर कर पा रहा है, तो 59% एरिया के अंदर वो 66% पॉपुलेशन को कवर कर पा रहा है अभी, बराबर ना, सॉरी 68%। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके ऑल इंडिया रेडियो का टारगेट क्या है कि भाई वो 66% एरिया को कवर करे और उसमें से 80% लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ये उसका टारगेट है, राइट। इसके लिए उसको पैसा चाहिए। और उसके अलावा दूरदर्शन के अंदर अगर आपको पता है कि भाई जो गांव के लोगों को है ना फ्री में सेट टॉप बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन ये सेट टॉप बॉक्स के अंदर चैनल की कौन सी आती है? मात्र दूरदर्शन आती है, राइट। तो ऐसे 8 लाख और सेट टॉप बॉक्स फ्री में प्रोवाइड करने हैं, बराबर, ताकि ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, राइट। तो ये दो चीज़ें करने के लिए यहाँ पे पैसा चाहिए उन लोगों को, और इसके लिए 2539 करोड़ रुपया यहाँ पे सेंटर के द्वारा अलोकेट किया गया है 2025-26 तक, बराबर ना। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है बाइंड स्कीम, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, बराबर ना, ओके।
हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, एक्चुअली दूसरा अप्रूवमेंट कैबिनेट के द्वारा मिला गया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। सरकार के द्वारा अभी लॉन्च किया गया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, और इसके लिए कितना पैसा खर्च किया गया है, 19,744 करोड़ रुपीज़ अलोकेट किए गए हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए, बराबर ना। और ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, राइट। तो अभी इस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अगर मैं बात करूँ कि 2021 की बात करूँ फ्रेंड्स, तो 2021 के अंदर नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, अगर आपको याद हो। नेशनल हाइड्रोजन मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैक्सिमम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है कि भाई अभी हमारा टारगेट क्या है, पेट्रोल के साथ इथेनॉल को ब्लेंड करना, पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिक्स करना, ताकि कम कार्बन एमिशन हो और ज़्यादा एफिशिएंसी मिले। और ये इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हाइड्रोजन की, बराबर ना। तो इसके लिए मैक्सिमम हाइड्रोजन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने के लिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था 2021 के अंदर। लेकिन ये हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस करना ही है, लेकिन अभी कौन सा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है, ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक, ग्रीन हाइड्रोजन क्या ग्रीन कलर का होता है? नहीं। तो ग्रीन हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, तो कि अगर कि आपको पता है कि भाई हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की एक मेथड है, पानी को स्प्लिट किया जाता है, पानी को स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग किया जाता है, बराबर ना। तो ये अगर ये पानी को स्प्लिट करने के लिए है ना, इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रोलाइट। और अगर ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बराबर ना, तो वो नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी हम कहाँ से लेते थे, पहले थर्मली प्रोड्यूस करते थे। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिसिटी हमने रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से प्रोड्यूस की है, और उसके माध्यम से हमने इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करके पानी को स्प्लिट किया है, तो उसके माध्यम से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए हमने रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया, इसके लिए हम इसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो अभी इस मिशन के अंडर में हाइड्रोजन तो बनाना है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है, इसके ऊपर फोकस करना है। इसके लिए सरकार ने कितना पैसा अलोकेट किया गया है, 19,744 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया है, ओके। और ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे साइट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, साइट स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, बराबर ना। यहाँ पे अगर कोई कंपनी डोमेस्टिकली ग्रीन हाइड्रोजन बनाती है, डोमेस्टिकली ग्रीन हाइड्रोजन बनाती है, या तो फिर अगर कोई कंपनी डोमेस्टिकली इलेक्ट्रोलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग करती है, बराबर ना, तो उस कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। कौन से प्रोग्राम के अंडर में, साइट प्रोग्राम के अंडर में, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम के अंडर में। ये साइट प्रोग्राम कौन से मिशन के अंडर में लॉन्च किया गया है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर में लॉन्च किया गया है, बराबर ना। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने 19,744 करोड़ रुपया प्रोवाइड किया है, कौन सी कंपनी को, जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, जो डोमेस्टिकली इलेक्ट्रोलाइजर को मैन्युफैक्चरिंग करेगा, बराबर ना। क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई जो जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइजर ही इम्पोर्ट करवाए, बराबर ना, राइट। तो इसके लिए साइट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेमिंग ऑफ द ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ पे, मोपा एक जगह का नाम है गोवा के अंदर। तो वहाँ पे एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, उसका भी नामकरण किया गया है, और उसका नामकरण क्या किया गया है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। तो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, मोपा गोवा के अंदर, बराबर ना। और वो कौन सा एयरपोर्ट है, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो आपके लिए ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या होता है। देखो, आपने स्कीम का नाम सुना होगा, उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, ये स्कीम का नाम है। इस स्कीम के अंडर में दो जगह, एक होता है अंडरसर्व और एक है अनसर्व्ड, राइट। अनसर्व्ड जगह कौन सी है कि जहाँ पे एक भी एयरपोर्ट नहीं है, और अंडरसर्व्ड जगह कौन सी है जहाँ पे एयरपोर्ट है लेकिन दिन में दो से ज़्यादा फ्लाइट नहीं आती, उसको बोलते हैं अंडरसर्व्ड जगह। और अनसर्व्ड एरिया किसको बोलते हैं, जहाँ पे एक भी एयरपोर्ट नहीं है। तो जहाँ पे एक भी एयरपोर्ट नहीं है, तो इस स्कीम के अंडर में क्या करना है,
नए एयरपोर्ट बनाने हैं वहाँ पे, और जहाँ पे अंडर सर्व्ड एरिया है, जहाँ पे एयरपोर्ट है लेकिन इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है कि वो ज़्यादा फ्लाइट्स को कैरी आउट कर सके, बराबर ना, तो उसको रीडेवलपमेंट करना है। तो यहाँ पे नए एयरपोर्ट जो बनाने हैं उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। और जो एयरपोर्ट ऑलरेडी है जस्ट उसको रीडेवलप करना है उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट, ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट, बराबर ना। तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्या है कि पूरा नया एयरपोर्ट बनाया है। एक्चुअली उड़ान स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है रीजनल एरिया को एयरलाइन से कनेक्ट करना, बराबर ना। गांव गांव से, मतलब बहुत जो रिमोट एरिया है वहाँ से भी लोग एयर ट्रांसपोर्ट कर पाए, बराबर ना। इसके इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, अफोर्डेबल। ऐसा नहीं कि भाई वो एयर ट्रांसपोर्ट है तो हम वो महंगा ही होगा। अफोर्डेबल मैनर में रीजनल लेवल पे एयरलाइन कनेक्टिविटी हो सके, वो उड़ान स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है, बराबर ना। और आपको पता ही होगा कि कुछ साल पहले आकाशा एयरलाइन, जो राकेश सुजनवाला जो अभी रिसेंटली एक्सपायर हो गए, बराबर ना, उनके द्वारा ये स्पॉन्सर्ड की गई एक आकाशा एयरलाइन, जो उड़ान स्कीम के अंदर में उसको इम्प्रूवमेंट मिला है, जिसका बाकी डोमेस्टिक फ्लाइट के कंपेरिजन में उसका कम किराया है एक्चुअली, अगर आप उसके माध्यम से ट्रैवलिंग करना चाहोगे तो, बराबर ना। तो वो आकाशा एयरलाइन उड़ान स्कीम के अंडर में ही बनी हुई है, बराबर ना। तो उड़ान स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है रीजनल एरिया को कनेक्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कनेक्ट करना एयरलाइन से। उसके लिए जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है वहाँ पे नए एयरपोर्ट बनाने हैं, जहाँ पे एयरपोर्ट है उसको रीडेवलप करना है। तो जो नए एयरपोर्ट बनाने हैं उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, और जो पुराने एयरपोर्ट को रीडेवलप करना है उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट, बराबर ना। तो यहाँ पे ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी उसका नामकरण किया गया है, कहाँ पे, मोपा के अंदर। और उसका नाम क्या रखा गया है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये मनोहर क्यों रखा गया है, क्योंकि गोवा के पहले गोवा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मनोहर पारिकर के नाम के ऊपर इनको ये एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, राइट। ये मनोहर पारिकर गोवा के 4 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, बराबर ना। तो उनके नाम के ऊपर ये एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। तो आई थिंक हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी विजिट किया था राजस्थान के अंदर। तो ये विजिट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों बनी उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने ये विजिट के दौरान एक प्रोग्राम का इनोग्रेशन किया, एक कैंपेन है एक्चुअली, राइज कैंपेन। राइज का फुल फॉर्म है राइजिंग इंडिया थ्रू द स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। ये राइज कैंपेन का उन्होंने इनोग्रेशन किया, बराबर ना। ये राइज कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये ब्रह्मा कुमारीज फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ब्रह्मा कुमारीज फाउंडेशन वही फाउंडेशन है जिसके दुनिया के 5000+ सेंटर्स हैं 137+ कंट्रीज़ के अंदर, बराबर ना। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रह्मा कुमारी फाउंडेशन का, लोगों के अंदर स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट क्रिएट करना, बराबर ना, लोगों को सही रास्ते पे लाना, बराबर ना, राइट। तो यहाँ पे राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट का यूज़ करके इंडिया को ग्रो करवाना है, ये संस्था का मेन ऑब्जेक्टिव। इसके लिए उसने कैंपेन लॉन्च किया, और इस कैंपेन का इनोग्रेशन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। इसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर ना, राइट। तो यहाँ पे राइस कैंपेन के बारे में बात करूँ तो राइस कैंपेन इज एम्स टू एम्पावर द नेशन थ्रू द स्पिरिचुअलिटी। द कैंपेन वुड बी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया अ लीडिंग नेशन बाई स्पिरिचुअली एम्पावरिंग इट्स पीपल एंड सपोर्टिंग द वेलफेयर ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी। अंडर द कैंपेन द ब्रह्मा कुमारीज एम टू मेक द इंडिया ग्रेट थ्रू स्पिरिचुअलिटी इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स, बराबर ना। और अगर मैं ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बात की कि 5000+ सेंटर्स है उसके, मेडिटेशन सेंटर पूरे 137+ कंट्रीज़ के अंदर, एंड इज द लार्जेस्ट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन रन बाई द वुमेन इन विच दे प्ले अ लीडिंग रोल्स असिस्टेड बाई द स्पिरिचुअल ब्रदर्स, बराबर ना। तो यहाँ पे लीडिंग रोल कौन प्ले करता है पूरे सभी सेंटर के अंदर, वुमेन लीडिंग रोल प्ले करती है, बराबर ना। ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, कैंपेन लॉन्च किया है और द्रौपदी जी मुर्मू जी के द्वारा इस कैंपेन का इनोग्रेशन किया गया है, राइज कैंपेन, बराबर ना। ओके हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, कहाँ पे, मोहाली पंजाब के अंदर, बराबर ना। और किसके द्वारा किया गया इनोग्रेशन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, बराबर ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एक्चुअली, मिनिस्टर नहीं है, बराबर ना। ओके तो इस सेंटर के बारे में बात करते हैं कि अभी रिसेंटली नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये एक इंस्टीट्यूट है, कौन सा डिपार्टमेंट के अंडर में,
अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में, बराबर ना। और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, मोहाली पंजाब के अंदर। तो सबसे पहले तो एक स्टेटिक क्वेश्चन कि नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया, तो एक नाभि करके एक संस्था है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में और मोहाली पंजाब के अंदर, बराबर ना। तो वहाँ पर ये सेंटर को एस्टेब्लिश किया गया है। उसका इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया, तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, बराबर ना। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट में इंडिपेंडेंट चार्ज लिखा है, तो इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब क्या होता है कि उनके ऊपर कोई मिनिस्टर नहीं है, डायरेक्टली पीएम मोदी को वो रिपोर्टिंग करते हैं, तो उनके द्वारा ये संस्था का इनोग्रेशन किया गया है, बराबर ना। अगर मैं जीनोम एडिटिंग की बात करूँ तो जीनोम एडिटिंग इज़ अ टूल टू कोज अ साइट स्पेसिफिक जीन चेंजेस और म्यूटेशंस टू इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिटिकल क्रॉप फीचर्स, बराबर ना। अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ ना फ्रेंड्स जीनोम एडिटिंग का, तो एक एग्जांपल है कि पहले है ना फार्मर्स क्या करते थे, नॉर्मल सीड जमीन में डालते थे अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। फिर धीरे धीरे उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ हाइब्रिड सीड्स का, और फिर अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड का यूज़ किया जाता है। देखो ये नॉर्मल सीड में क्या होता है कि भाई प्रोडक्टिविटी जितना चाहिए इतना नहीं मिलता है। अगर हम हाइब्रिड सीड का यूज़ करें कि, तो हाइब्रिड सीड क्या है कि फॉर एग्जांपल दो गेहूं है, ये दो गेहूं के अलग अलग टाइप के सीड्स हैं, लेकिन उनकी दो बेस्ट प्रॉपर्टीज़ को कलेक्ट करके पॉलिनेशन के माध्यम से थर्ड गेहूं का ही सीड बनाया जाता है, और इस गेहूं के सीड को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड सीड, जो गेहूं के ही दो अलग अलग सीड में से बनाया गया है, बराबर ना। तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड सीड। तो अगर हम ये नॉर्मल सीड की जगह पे ये हाइब्रिड सीड का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे देखो दोनों की अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ कलेक्ट करके ये बनाया गया है, मतलब इसकी क्वालिटी और बेटर होगी तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है, राइट। तो हाइब्रिड सीड इज़ बेटर देन नॉर्मल सीड। लेकिन जीनेटिकली मॉडिफाइड सीड की बात करूँ तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, कॉटन मतलब तो पता ही है कपास। तो ये कपास आपको नॉर्मली अगर आप कपास के क्रॉप के आसपास देखोगे ना, तो इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा बैठते हैं, तो ये इंसेक्ट्स को मारने के लिए क्या डालना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स डालना पड़ता है, जंतुनाशक दवा, बराबर ना। ये पेस्टिसाइड्स की अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो ये क्रॉप को भी नुकसान करता है, कपास को भी नुकसान करता है, तो हम ज़्यादा भी नहीं डाल सकते, और ज़्यादा इंसेक्ट्स बैठेंगे तो भी नुकसान होगा, बराबर ना। इसके लिए एक कॉटन का एक जीनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन बनाया गया है, और उसको क्या बोलते हैं, बीटी कॉटन। ये बीटी कॉटन कैसे बनाया गया है कि बैक्टीरिया के जीन्स का यूज़ किया गया है कॉटन के अंदर, दोनों को मिक्स करके बीटी कॉटन बनाया गया है। तो यहाँ पे देखो हाइब्रिड सीड के अंदर गेहूं को ही मिक्स करके गेहूं बनाया गया था, यहाँ पे बैक्टीरिया को मिक्स कॉटन के अंदर किया गया और बीटी कॉटन बनाया गया, जिसको बोलते हैं जीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन किया। और ये बीटी कॉटन एक कॉटन की ऐसी प्रजाति है, बराबर ना, कि अगर ये हम क्रॉप बीटी कॉटन का उगाएंगे ना, तो उसके ऊपर इंसेक्ट्स बैठेगे ही नहीं, लेकिन क्योंकि जैसे ही इंसेक्ट्स बैठेंगे तो तुरंत वो मर जाएंगे, बराबर ना, राइट। तो इंसेक्ट ये जो पेस्टिसाइड्स है वो भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और क्रॉप भी अच्छी तरीके से ग्रो हो पाएगा, बराबर ना। तो ऐसे और रिसर्च करने के लिए, ऐसी और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए यहाँ पे सेंटर बनाया गया है, नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, बराबर ना। कहाँ पे, नाभि इंस्टीट्यूट के अंदर, मोहाली पंजाब के अंदर, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडिया का सबसे बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम का इनोग्रेशन किया गया था उड़ीसा के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। देखो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा रिसेंटली कि हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था, बराबर ना। कहाँ पे हुआ था हॉकी वर्ल्ड कप, कौन जीता था पहले तो मुझे वो बताओ, कौन जीता था उसको, जर्मनी। इंडिया का बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था उसके अंदर, बराबर ना। और ये हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, तो इंडिया के अंदर हुआ था, और इंडिया के कौन से स्टेट के अंदर हुआ था, ओडिशा के अंदर हुआ था, बराबर ना। तो ओडिशा के अंदर एक्चुअली दो लोकेशन पे हुआ था, एक तो रूरकेला और एक है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, बराबर ना। तो ये दो लोकेशन पे ये हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, इस बार का जो हॉकी हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था वो भुवनेश्वर के अंदर कलिंगा स्टेडियम है वहाँ पे हुआ था, कलिंगा स्टेडियम, और रुड़केला का हॉकी स्टेडियम
उसका नाम है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। तो ये रूरकेला का ये जो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है ना, वो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है और उसका अभी इनोग्रेशन अभी दिसंबर महीने के अंदर ही हुआ है, राइट। और इसके ऊपर अभी वर्ल्ड कप के मैचेस खेले गए थे। तो उनको एक सोशल वर्कर थे, ट्राइबल कम्युनिटी के बिरसा मुंडा के नाम से बनाया गया इस हॉकी स्टेडियम को, जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। मोर देन 20,000 पीपल यहाँ पे मैच देखने के लिए बैठ सकते हैं, बराबर ना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? रूरकेला, उड़ीसा के अंदर। हॉकी वर्ल्ड कप इस बार का कहाँ पे हुआ? उड़ीसा के अंदर हुआ, दो लोकेशन पे, भुवनेश्वर और बिरसा मुंडा, और सॉरी भुवनेश्वर और रूरकेला, बराबर ना। ओके, और ये जो हॉकी वर्ल्ड कप था ना, वो 15th एडिशन था। ये जो FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 था, पर वो 15th एडिशन था, बराबर ना। लास्ट ईयर का जो 14th एडिशन है, वो भी इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था, बराबर ना। ओके, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, क्या अभी रिसेंटली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च की गई है कि वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड। एक रिपोर्ट कि जो वर्किंग टाइम और वर्क लाइफ बैलेंस को कंपेयर करता है, बराबर ना। पहली बार ऐसा कोई रिपोर्ट लॉन्च किया गया है ILO के द्वारा, बराबर ना। तो इस रिपोर्ट के अंदर क्या बोला गया है कि मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स वर्क फोर्स डजंट टिपिकली वर्क अ 9 to 5 शेड्यूल। मतलब 50% से ज़्यादा लोग, वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग काम करते हैं, उसमें से 50% से ज़्यादा लोग 9 to 5 शेड्यूल को फॉलो नहीं करते हैं, बराबर। उनकी जो वर्किंग लाइफ है, ये 9 to 5 शेड्यूल वाली नहीं है, मतलब 8 घंटे की जॉब नहीं है, बराबर ना। राइट, मोर देन 50% लोग, बराबर ना। तो इसके लिए कहीं ना कहीं वर्क लाइफ और वर्क लाइफ बैलेंस, सॉरी, इसके लिए कहीं ना कहीं वर्किंग टाइम और वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ओके, अगर मैं इस रिपोर्ट के की ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करूँ, तो द रिपोर्ट एग्जामिन्स द टू मेन एस्पेक्ट ऑफ द वर्किंग टाइम। एक तो वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग टाइम अरेंजमेंट्स, ऑल्सो कॉल्ड द वर्क शेड्यूल्स, राइट, एज वेल एज देयर इफेक्ट्स ऑन द बिजनेस परफॉर्मेंस एंड वर्कर्स वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये रिपोर्ट के अंदर दो मेन एस्पेक्ट को इवोल्यूशन किया गया है, ऑब्जर्वेशन किया गया है। एक तो वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग टाइम अरेंजमेंट, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग शेड्यूल, बराबर ना। एज वेल एज देयर इफेक्ट्स ऑन द बिजनेस परफॉर्मेंस एंड वर्कर्स वर्क लाइफ बैलेंस, कि भाई वर्किंग आवर्स का इफेक्ट क्या है बिजनेस परफॉर्मेंस के ऊपर और वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर, राइट। द रिपोर्ट एग्जामिन्स द इम्प्लीकेशन ऑन द वर्क लाइफ बैलेंस, सच एज द शिफ्ट वर्क, ऑन कॉल वर्क, कंप्रेस्ड आवर्स एंड आवर्स एवरेजिंग स्कीम्स, बराबर ना। तो यहाँ पे रिपोर्ट ने क्या एग्जामिन किया है कि भाई शिफ्ट के अंदर जो लोग काम करते हैं उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, जो ऑन कॉल वर्क काम करते हैं, बराबर ना, जो पूरे दिन घर पे होते हैं लेकिन पूरे दिन उनका कॉल चालू रहता है, बराबर, तो उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, बराबर ना। जो लोग कंप्रेस्ड आवर्स में कम टाइम में ज़्यादा काम करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, बराबर ना। जो आवर्स एवरेजिंग स्कीम, फॉर एग्जाम्पल, आज आज 8 घंटे काम किया तो कल 10 घंटे काम किया, तो नेक्स्ट डे 6 घंटे काम करना है, तो उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, बराबर ना। तो ये रिपोर्ट्स ने सभी टाइप्स के वर्किंग कवर्स को कंपेयर किया है वर्क लाइफ बैलेंस के साथ, बराबर ना। ओके, और ये रिपोर्ट के द्वारा क्या एग्जामिन किया गया है कि मोर देन 1/3 ऑफ द ऑल वर्कर्स वर्क मोर देन 48 आवर्स पर वीक। अगर आप 8 घंटे दिन के अंदर काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल 9 to 5, तो अगर 5 डे वर्किंग डे है तो एक वीक में आपको कितना काम करना है? 40 आवर्स। लेकिन रिपोर्ट क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि मोर देन 1/3 ऑफ द ऑल वर्कर्स, बराबर ना, मतलब 33% से भी ज़्यादा लोग वीक के अंदर 48 आवर्स से ज़्यादा काम करते हैं, राइट। और मोर देन 1/5 ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स, बराबर ना, 20% से भी ज़्यादा लोग वो बहुत ही कम काम करते हैं, लेस देन 35 आवर्स पर वीक, बराबर ना। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं वीक के अंदर, कुछ लोग बहुत कम काम करते हैं, और जो स्टैंडर्ड जो 40 आवर्स का काम जो लोग काम करते हैं वो तो लेस देन 50% है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर मैं ILO की बात करूँ तो उसके डायरेक्टर जनरल हैं गिलबर्ट फोजिन होंगो। हेडक्वार्टर उसका जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, और उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1919 के अंदर, बराबर ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, वर्क लाइफ बैलेंस और वर्किंग आवर्स के बीच में ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, बराबर ना। और बोल रहा है कि भाई 33% से ज़्यादा लोग 48 आवर्स से ज़्यादा काम करते हैं, 20% से ज़्यादा लोग
35 आवर से कम काम करते हैं और 50% से भी कम लोग बराबर ना 40 आवर्स के अंदर काम करते हैं, मतलब जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 40 आवर्स वाला, वो 50% से भी कम लोग उसके अंदर काम करते हैं, बराबर ना। तो ये थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली बात है, बराबर ना। आरबीआई ने भी सिलेक्ट किया 6 फर्म्स अंडर द फोर्थ कोहोर्ट ऑफ द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स टू टेस्ट द एंटी फ्रॉड सॉल्यूशन, बराबर ना। सबसे पहले तो इस न्यूज़ को समझने से पहले फ्रेंड्स आप ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, बराबर ना। अगर मैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की बात करूँ तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इंट्रोड्यूस कब किया गया, 2019 के अंदर, किसके रिकमेंडेशन के ऊपर, तो एक वर्किंग ग्रुप ऑन द फिनटेक एंड डिजिटल बैंकिंग, और ये वर्किंग ग्रुप कौन किसके द्वारा बैठाया गया था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, बराबर ना। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा जो एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था ऑन फिनटेक एंड डिजिटल बैंकिंग, उसके द्वारा ये उसके रिकमेंडेशन से रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है 2019 के अंदर, बराबर ना। इट रिफर्स टू द लाइव टेस्टिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज इन अ कंट्रोल और टेस्ट रेगुलेटरी एनवायरमेंट। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी के पास फिनटेक के रिलेटेड कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन है, प्रोडक्ट रेडी है लेकिन उसको टेस्ट करना है, तो उसको कंट्रोल्ड मैनर में प्रैक्टिकल सिचुएशन में टेस्ट करने की जगह जिसको बोलते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, बराबर ना। राइट, थ्रू दिस फील्ड टेस्ट आर कंडक्टेड ऑन द एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द न्यू फाइनेंशियल इनोवेशंस, बराबर ना। कि भाई जो नए फाइनेंशियल इनोवेशन जो बनाए गए हैं उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, वो फील्ड टेस्ट के माध्यम से उसको टेस्ट किया जाता है कंट्रोल्ड मैनर के अंदर, रेगुलेटरी मैनर के अंदर, बराबर ना, ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर। राइट, देखो अभी तक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ये स्कीम के अंडर में बराबर ना टोटल 4 कोहोर्ट्स लॉन्च किए गए हैं, मतलब 4 कोहोर्ट्स का मतलब है कंपटीशन। पहले की थीम थी रिटेल पेमेंट्स, अगर किसी के पास रिटेल पेमेंट्स को इजीली कर पाए, इसको जल्दी से कर पाए, एरर फ्री कर पाए, अगर किसी के पास ऐसा कोई सॉल्यूशन है तो उसको प्रैक्टिकल मैनर में उसका टेस्ट करने के लिए वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, बराबर ना। सेकेंड फेज़ के अंदर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के ऊपर चैलेंज लॉन्च किया गया था। थर्ड फेज़ के अंदर एमएसएमई लेंडिंग के ऊपर, फोर्थ फेज़ के ऊपर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ द फाइनेंशियल फ्रॉड के ऊपर, और अभी रिसेंटली 5th कोहोर्ट भी लॉन्च किया गया था, बराबर ना। उसका थीम था न्यूट्रल, बराबर ना, न्यूट्रल। तो अभी सितंबर 2022 के अंदर ही लॉन्च किया गया। तो अभी रिसेंटली ये करंट न्यूज़ में क्यों है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का स्कीम, क्योंकि प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ द फाइनेंशियल फ्रॉड जो आरबीआई का 4th कोहोर्ट था उसके अंडर में आरबीआई ने टोटल 6 कंपनी को सिलेक्ट किया है, बराबर ना, उसको प्रोडक्ट उसकी प्रोडक्ट को रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंडर में चेक करने के लिए, बराबर ना, प्रैक्टिकली उसको टेस्ट करने के लिए। कौन कौन सी कंपनी, तो बाहवन साइबर टेक, क्रेडी वॉच इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स, इंस्टेज सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, HSBC इन कोलाब्रेशन विद द विमो, नेपिड साइबर सेक प्रोडक्ट। तो ये उसकी जो टोटल 6 कंपनीज है, बराबर आपके लिए नाम इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आरबीआई के द्वारा अभी 6 कंपनीज़ को सिलेक्ट किया गया टू टेस्ट द प्रोडक्ट्स पर अंडर द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, बराबर ना। और कौन सी थीम में, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ द फाइनेंशियल फ्रॉड वाली थीम के अंदर, बराबर ना। तो आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, तो अभी आरबीआई का 4th कोहोर्ट का जो थीम था प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ द फाइनेंशियल फ्रॉड्स, बराबर ना, उसके अंदर टोटल 6 फर्म्स को सिलेक्ट किया गया है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है वो आपको पता चल गया होगा, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी चल रहे हैं, बराबर ना, और 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मैस्कॉट स्मार्ट टॉर्च थीम सॉन्ग अनवेल किए गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 5th एडिशन कहाँ पे होने वाला है, मध्य प्रदेश के अंदर, बराबर ना, मध्य प्रदेश के अंदर होने वाला है। मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन सी जगह पे होने वाला है, तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट एंड खारगोन, महेश्वर जिसको बोलते हैं, बराबर। तो ये लोकेशन पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5th एडिशन होने वाला है, बराबर ना। तो एक्चुअली खेलो इंडिया के 2 टाइप के गेम्स होते हैं, एक तो यूथ गेम होता है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होता है, बराबर ना। राइट, तो ये 5th खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश के अंदर होने वाला है, बराबर ना। ओके, अगर मैं उसके मैस्कॉट के बारे में बात करूँ तो उसका मैस्कॉट क्या रखा गया है, आशा और मोगली, आशा और मोगली, बराबर ना। आशा एक फीमेल चीता है, बराबर ना, और मोगली। मैस्कॉट मतलब क्या होता है, एक दो कार्टून है कि भाई जो पूरे टूर्नामेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, फिर यहाँ पे टॉर्च,
टॉस मतलब जो टूर्नामेंट को जब स्टार्ट किया जाता है तब एक मशाल का फायरिंग किया जाता है बराबर। तो उस मशाल का नाम क्या रखा गया है? अमरकंटक। अमरकंटक एक जगह का नाम है जहाँ से नर्मदा रिवर ओरिजिन होती है बराबर ना। सिंपल। उसके अलावा इस टूर्नामेंट का थीम सॉन्ग वो शान के द्वारा गाया गया है बराबर ना। उसका नाम क्या है? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो बराबर ना। इस थीम सॉन्ग का नाम है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो और शान के द्वारा उसको गाया गया है बराबर ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5th एडिशन का थीम सॉन्ग के बारे में बात कर रहा हूँ बराबर ना। ओके। टोटल 27 गेम्स इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर खेली जाएगी बराबर ना। और टोटल 9 सिटीज़ के अंदर बराबर। ओके। एंड अराउंड 6,000 प्लेयर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें से 303 इंटरनेशनल हो गए और 1089 नेशनल ऑफिशियल्स हो गए बराबर ना। यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे बराबर ना। ओके। तो इस टूर्नामेंट के अंदर जो भी टीम अथवा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करती है बराबर ना, वो उनको मेडल दिया जाता है बराबर इन द खेलो इंडिया यूथ गेम, और उनको 5 लाख एनुअली प्रोवाइड किया जाता है बराबर फॉर द कोचिंग पर्पज़ के लिए बराबर ना। राइट। और यहाँ पे इस टूर्नामेंट के अंदर कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं कि जो पहली बार ऐड किए गए हैं ये 5th एडिशन के अंदर। तो वाटर रिलेटेड स्पोर्ट्स पहली बार ऐड किए गए हैं कौन कौन से? कायाकिंग, कैनोइंग, रोइंग और फेंसिंग बराबर ना। तो ये स्पोर्ट्स पहली बार ऐड किए गए हैं बराबर ना। ओके। अगर मैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के प्रीवियस एडिशन की बात करूँ तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसका फर्स्ट एडिशन कब कब हुआ था? 2018 के अंदर। और वो 2018 के अंदर कहाँ पे हुआ था फर्स्ट एडिशन उसका? दिल्ली के अंदर। 2019 के अंदर उसका एडिशन हुआ था पुणे के अंदर। 2020 के अंदर उसका बेंगलुरु। ओके। 2021 का एडिशन हुआ था पंचकुला हरियाणा के अंदर। हरियाणा बराबर। फिर 2022 का एडिशन अभी जो रिसेंट हुआ ये एमपी के अंदर बराबर ना। भले वो 2023 में हो रहा है लेकिन वो 2022 का एडिशन है बराबर ना। कोरोना की वजह से 2021 का एडिशन 2022 में हुआ था और 2022 का एडिशन अभी 2023 के अंदर हो रहा है बराबर ना। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा एडिशन कब हुआ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बराबर, और कहाँ पे हुआ है बराबर ना। ठीक है। तो आई थिंक आपको इस चीज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा। उसके मैस्कॉट के बारे में ध्यान में रखना, क्या क्या नाम है? आशा और मोगली। और किसके द्वारा थीम सॉन्ग गाया गया है, कितनी टीम से पार्टिसिपेट किया, और उसके अलावा कहाँ कहाँ पे ये कौन कौन से लोकेशन पे होने वाला है बराबर ना। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 9 जनवरी 2023 को ये सेलिब्रेट किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस ऑल्सो नोन एज NRI दिवस इज एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस द इंडिया ऑन द 9 जनवरी टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कि जो इंडियन कम्युनिटी जो बाहर रहती है, दूसरे देश में रहती है, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे डेवलपमेंट के अंदर, उसके इम्पोर्टेंस को यहाँ पे दिखाया जाता है बराबर ना, अवेयर करने के लिए लोगों को। राइट। अगर मैं इस दिन के बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो ट्रेडिशन ऑफ द सेलिब्रेटिंग द प्रवासी भारतीय दिवस ऑन द 9 जनवरी वो स्टार्ट किया गया 2003 से। द डे 9 जनवरी कम्युमरेट्स द रिटर्न ऑफ द महात्मा गांधी फ्रॉम द साउथ अफ्रीका टू इंडिया इन 1915 बराबर ना। द फर्स्ट एवर प्रवासी भारतीय दिवस वॉज ऑब्जर्व ऑन द 9 जनवरी 2003। ये इस दिन का बैकग्राउंड है। अगर मैं इंडियन डायस्पोरा की बात करूँ, द इंडियन डायस्पोरा इंक्लूड्स द NRIs, पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन्स एंड द ओवरसीज सिटीजन ऑफ द इंडिया। तो ये इतने लोग इतने अलग अलग कैटेगरी में भारत से बाहर रहते हैं बराबर ना। कुछ किसी को हम NRIs बोलते हैं, किसी को हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलते हैं, और किसी को हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं। आपका होमवर्क रहेगा इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है बराबर ना। ओके। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको बोलते हैं? कि अगर कोई सिटीजन ऐसी कंट्री में रहता है, कौन सी कंट्री में रहता है कि जो इन कंट्री में नहीं रहता, कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, नेपाल और श्रीलंका, अगर कोई सिटीजन ये सब कंट्रीज के अलावा कोई भी कंट्री में रहता है, हु होल्ड्स एन इंडियन पासपोर्ट और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ स्पाउस ऑफ एन इंडिया बराबर ना। राइट। तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाता है उनको। और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? कि जो वो ऐसे PIO के बारे में बात कर रहे हैं बराबर ना, कि जो 26 जनवरी 1950 को इंडिया के सिटीजन थे बराबर ना। राइट। और
या तो फिर उसके बाद वो एलिजिबल बने इंडिया के सिटीजन बनने के लिए, बराबर ना। 26 जनवरी 1950 के बाद के बारे में बात चल रही है, बराबर ना। देखो फ्रेंड्स, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, NRI कि भाई एस ऑल इंडियंस रिसाइडिंग आउटसाइड द कंट्री इसको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियंस, बराबर ना। फिर PIO किसको बोलते हैं कि ऐसे पर्सन की या तो उनके पेरेंट्स, वो एक तो वो बाहर की कंट्री में रहते हैं, और बाकी कंट्री में कहाँ पे रहते हैं, ये कंट्रीज़ के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, नेपाल और श्रीलंका के अलावा, तो ये ऐसी कंट्रीज़ में रहते हैं ये सब कंट्रीज़ के अलावा, और या तो चलो फिर भले उनका बॉर्न नहीं हुआ भारत के अंदर, लेकिन अगर उनके पेरेंट्स का बॉर्न हुआ है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स का बॉर्न हुआ है, अगर इनके ग्राउंड स्पाउस का बॉर्न हुआ है, बराबर ना, तभी वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाए जाएंगे, राइट। और उसके अलावा OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे ऐसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात चल रही है कि वो 26 जनवरी 1950 को या तो फिर उसके बाद कभी ना कभी वो भारत के सिटीजन बने थे, बराबर ना। तो इनके बारे में बात चल रही है, बराबर ना। अभी वो बाहर रहते हैं लेकिन वो 26 जनवरी 1950 को भारत के सिटीजन थे, बराबर ना। तो उनको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, बराबर ना। तो ये तीन चीज़ों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बराबर ना। ओके, अगर मैं इस प्रवासी भारतीय दिवस की थीम के बारे में बात करूँ तो रिलायबल पार्टनर्स फॉर द इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ये थीम क्या रखी अगर मैं गई है, इस प्रवासी भारतीय दिवस के थीम के बारे में बात करूं, उसकी थीम क्या रखी गई है, डायस्पोरा एक रिलायबल पार्टनर्स फॉर द इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल, बराबर ना। ये इसकी थीम रखी गई है, बराबर ना। 2030 का जो ये एडिशन था वो 17th एडिशन था इस दिन का, बराबर ना। ओके, अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करूँ तो हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, वी मुरलीधरन, मीनाक्षी लेखी एंड डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, बराबर। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा, बराबर।